मेडल गंगा में विसर्जित करने के लिए हरिद्वार पहुंचे ओलंपिक खिलाड़ियों को भारतीय किसान यूनियन के नेता नरेश टिकैत ने समझा बुझा कर वापस लौटा दिया। काफी देर के मान मुनावल के बाद खिलाड़ियों ने सभी मेडल नरेश टिकैत को सौंप दिया। अब मुजफ्फरनगर में होने वाली खाप पंचायत में आगे की रणनीति तय की जाएगी। दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे धरने को जबरन समाप्त कराए जाने के बाद रेसलर साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और संगीता कई समर्थक पहलवानों के साथ हरिद्वार में हर की पैड़ी पर अपने मेडल प्रवाहित करने के लिए पहुंचे हुए थे। खिलाड़ियों की सैलान से हरिद्वार के प्रशासन में भी हलचल मची हुई थी। शाम 6 बजे खिलाड़ी हर की पैड़ी पर पहुंचे और काफी देर तक मौन बैठे रहे। उसके बाद भारतीय किसान यूनियन के नेता नरेश टिकैत हर की पैड़ी पर पहुंचे और खिलाड़ियों को मनाकर अपने साथ ले गए। नरेश टिकैत ने कहा, खिलाड़ियों के साथ ज्यादती हो रही है, खिलाड़ी उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। इससे निराश होकर उन्होंने मेडल वापस करने का निर्णय लिया। सरकार को यौन शोषण के आरोपी बृजभूषण सिंह को गिरफ्तार करना चाहिए। भाई जो टीवी थोड़ी नीचे परसों दिल्ली में जो उनके साथ में जाती हुई, जो किसानों के साथ में, पहलवानों के साथ में जो जाती हुई, बच्चे ये हमारे पहलवान जो बच्चे हैं, लड़कियां हैं हमारी, ये बर्दाश्त नहीं कर पाई। इन्होंने इस तरह का कदम उठा लिया और ये कुछ भी कदम उठा सके, हमने यही सोची भाई इस तरह का कदम ना उठावे। और हम अनक फनक में यहाँ से गद्दे से यहाँ से आ गए 2 घंटे में और हम बच्चों को मना कर ले गए। ये बड़े परेशान है, तो हम यही चाह रहे हैं बातचीत, सरकार इस बात को सुने। और एक आदमी के उसमें पूरे भारत को बर्बाद करने के उस पर तुल दिया सरकार, ऐसा कदम न उठावे। ये पहल करे ही नहीं, इन्हें तो कुर्सी बचानी और कुछ नहीं करना, सिवा कुर्सी देने के द्वारा पास कुछ है भी नहीं। भाई ये 5 दिन का समय दिया, इसमें जैसा भी कुछ वो होगी बातचीत, जिम्मेदार आदमी सभी जिम्मेदार हैं, वहाँ सबकी सुलह मशवरा ली जाए। हम अकेले कोई निर्णय ले सकते, हमारे पर तो इतना की सौंपी गई, भाई बच्चे वहाँ से है, उन्हें उठा जाओ किसी भी तरह से। ये बच्चे हमारी बात मान गए, इसी बात के लिए हम धन्यवाद दे रहे हैं बच्चों को, उन्होंने हमारी बात मान ली। बुजुर्ग होने के नाते, परिवार के जिम्मेदार होने के नाते उन्होंने हमारी बात मान ली, हम उन बच्चों को मेडल अब आपके पास। हाँ, हमारे पास सुरक्षित है।